सो एचपी विक्टस का जो 1650 वाला मॉडल है वो एक्चुअली में काफी बढ़िया लैपटॉप है, दिखने में भी और परफॉर्मेंस में भी। और इसका एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू हमारे चैनल में ऑलरेडी कर रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर आप वो वाला वीडियो का नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो को जरूर देख लेना। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस लैपटॉप में हम लोग कुछ बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर्स को रन करने वाले हैं, जैसे कि अडोबी फोटोशॉप, अडोबी लाइटरूम, उसके बाद अडोबी प्रीमियर प्रो एंड अडोबी आफ्टर इफेक्ट, जो कि क्रिएटर्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड अगर आप इस लैपटॉप को अपने फोटो एडिटिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर मोशन ग्राफिक्स के लिए इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हो, तो उससे पहले जरूर आप जानना चाहोगे कि ये वाला लैपटॉप जो है ये सारे सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हैंडल करता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही चारों सॉफ्टवेयर को इस लैपटॉप में टेस्ट करने वाले हैं, प्रॉपर रेंडर करने वाले हैं कि किस कितना टाइम लेते हैं एंड जो टाइम लाइन है वो कितना स्मूथ रहता है, कोई लैग वगैरह तो देखने को नहीं मिलता है, वो सभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। बेसिकली आप इस वीडियो को जो है एचपी विक्टस का एक्सट्रीम वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक टेस्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। और हाँ, जिनको यहाँ पे इस लैपटॉप का एक डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको डिटेल गेमिंग रिव्यू इसमें देखना है कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए भी खरीदना चाहते हो, तो हो सकता है कि हम लोग इस लैपटॉप में एक डिटेल गेमिंग रिव्यू वाला वीडियो भी यहाँ पे पब्लिश कर दें, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को यार उसके बारे में जरूर बताना। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो 3ds Max है, उसके बाद ऑटो कैड है, वो सारे सॉफ्टवेयर भी बहुत आराम से चलेगा। ऑल्सो आप लोग यहाँ पे कोई दूसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि डाविंची रिजॉल्व, उसके बाद यहाँ पे फिल्मोरा वगैरह का मत पूछना, बिकॉज अगर ये सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी बहुत आराम से चल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसमें कोडिंग करना चाहते हो, कोडिंग भी ईजिली हो जाएगा। अगर यहाँ पे इतने हैवी काम हो रहे हैं तो भाई कोडिंग तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। और हाँ, इस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको दिया जाता है एक Ryzen 5 का 5600H, साथ में आपको मिलता है एक GTX 1650 4GB ग्राफिक कार्ड, साथ में आपको इस लैपटॉप में 8GB रैम लगा हुआ है। हमने इसको यहाँ पे 16GB नहीं करा है बिकॉज मैं देखना चाहता था कि 8GB रैम में ये वाला लैपटॉप ये सारे काम को किस तरीके से हैंडल करता है। और साथ में इस लैपटॉप में लगा हुआ है 512GB का SSD। बैटरी बैकअप इसका काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको एक 70 वाट आवर का बिग बैटरी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी देखते हैं कि वह जो लैपटॉप है इसका रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग परफॉर्मेंस कैसा है। सो गाइज, ये है HP Victus। आज के इस वीडियो में हम लोग HP Victus में कुछ जाने माने चार बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर्स को रन करने वाले हैं। इनमें से एक है Adobe Lightroom, उसके बाद है Adobe Photoshop, उसके बाद है Adobe Premiere Pro और उसके बाद है Adobe After Effects, ठीक है। ये चारों ही जो सॉफ्टवेयर है ये CC वर्जन है, यानी कि क्रिएटिव क्लाउड वर्जन है, 2021 वाला वेरिएंट है, मतलब वर्जन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये चार सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले कि वह जो लैपटॉप है ये चारों सॉफ्टवेयर्स को किस तरीके से हैंडल करता है। और यहाँ पे लैपटॉप सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हमने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और हमारा जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे एक्सटर्नली यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और जो भी सर हमारे फुटेज फाइल है वो हमारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में है, तो ऑब्वियसली इसमें इंटरनल हार्ड ड्राइव लगाने का जगह नहीं है। तो अगर आपको एडिट करना है या फिर कुछ करना है तो आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हमने जो है सारे फुटेज को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रख दिया है, देखने वाले कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ठीक है। तो जैसे कि इस लैपटॉप में बहुत ही फास्ट SSD लगा हुआ है, तो अभी हम लोग सबसे पहले इस लैपटॉप में क्या करने वाले हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का जो लोडिंग टाइम है या फिर बूटिंग टाइम है वो देखने वाले हैं कि कितना सेकंड्स में ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे बूट हो जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा Adobe Lightroom से। सो 3, 2, 1। ओ माय गॉड, बहुत ही जल्दी ऑन हो गया। एंड एग्जैक्ट कितना सेकंड्स में यहाँ पे ऑन हो गया है ये सॉफ्टवेयर Adobe Lightroom वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अभी बारी आता है Premiere Pro की। सो 3, 2, 1। भाई 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 भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। Premiere Pro भी बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। अभी अगर हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हो बहुत ही फास्ट यहाँ पे आपका इंटरफेस रेडी हो जाता है। अभी हमारा बारी है आफ्टर इफेक्ट की, जो कि एक बहुत ही हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। सो 3, 2, 1। एंड आफ्टर इफेक्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पे लोड ले लिया। अभी अगर हम लोग न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करते हैं तो एकदम रेडी टू यूज़ है अभी, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट को भी यहाँ पे लोड लेने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है, बिकॉज इसमें आपको एक
Ryzen 5 5600 जैसा प्रोसेसर है और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा खासा WD का SN730 SSD दिया जाता है, इसीलिए इसका जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो लाइटरूम खुल गया है, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं या फिर कोई फोटोज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सी कि कोई लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। और हाँ, इसमें 8GB रैम लगा हुआ है, हमने इसमें 16GB नहीं करा है, ठीक है। तो 8GB रैम पे ये सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइटरूम चलाते हैं। लेट्स सी कोई भी किसी भी तरीके का लैग देखने को मिलता है कि नहीं। सो वाइब्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा, एक्चुअली वाइब्रेंस और ज़्यादा, एंड 60-50 चलेगा। शेडोज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, एंड कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत कर्व्स भी डालते हैं, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। सो कर्व भी बहुत ही स्मूथ है, देख सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके का लैग नहीं है अभी तक, और कर्व एकदम स्मूथ है। और यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट तो किया ही था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत HSL कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं। लेट्स सी कि कलर ग्रेडिंग में कोई लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सुपर स्मूथ है, ठीक है। ये हमने ऑरेंज ह्यू थोड़ा सा चेंज किया, दैट्स इट। जस्ट हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ सीरियस टाइप की चीज़ नहीं करना है, जस्ट टू चेकआउट कि कैसा परफॉर्म करता है लैपटॉप। लुमिनेंस को हम लोग थोड़ा बहुत घटा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, टू मैच अप द सीक्वेंस, एंड काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, किसी भी तरीके का लैग नहीं देख सकते। तो हम यहाँ पे स्लाइडर को यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन में कोई लैग नहीं है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत ग्रेडिंग में चलते हैं। तो सो ग्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, डैम नहीं, थोड़ा सा इधर रहेगा, ओके दैट्स इट। सो ये हमने किया है थोड़ा बहुत ग्रेडिंग, और थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। डिटेलिंग में थोड़ा बहुत शार्पनेस बढ़ाते हैं, लेट्स सी शार्पनेस बढ़ाने से कुछ होता है कि नहीं। नथिंग, इट्स बटर स्मूथ, जूम करते तो जूम हो जाता है, एंड दिस इज इट। बहुत ही स्मूथ चलता है लाइटरूम, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे फोटो एडिटिंग के लिए ये वाला लैपटॉप लेना चाहते हो या फिर लाइटरूम काम के लिए ये वाला लैपटॉप लेना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत आराम से ले सकते हो। बहुत पावरफुल लैपटॉप है लाइटरूम के लिए। लाइटरूम इस लैपटॉप के लिए बहुत ही ईजी टास्क है, बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेते हैं। सो नो वरीज, अगर हम लोग ये सब बिट करते हैं एकदम लेयर वेयर में, ठीक है, तो भी आप देख सकते हो कि किसी भी तरीका यहाँ पे वो नहीं है, किसी भी तरीका यहाँ पे क्या बोलूँ, लैग वगैरह नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है फोटोशॉप की, क्योंकि फोटोशॉप लाइटरूम से काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। सो लेट्स फायर अप द फोटोशॉप। सो हम लोग फोटोशॉप पे ये वाला फोटो को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फोटो इंपोर्ट हो चुका है, हम लोग इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेट्स सी इतना सही रहेगा। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग का यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो ये हमारा ह्यू सैचुरेशन वाला पार्ट, हम लोग यहाँ से सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बिकॉज सैचुरेशन मुझे लगता है बहुत कम है इसमें, 40, ओके दिस इज़ फाइन। एंड उसके बाद कर्व्स, लेट्स यूज़ कर्व्स, एंड यहाँ पे ये हो गया। ये सारा तो नॉर्मल काम है जो कि हमारा लाइटरूम में भी हो रहा था, फोटोशॉप में भी बहुत ही स्मूथली यहाँ पे देख सकते हो, बहुत स्मूथ यहाँ पे एडिटिंग हो रहा है, किसी भी तरीके का लैग नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत लेयर वेयर में काम करें, लेट्स सी, यहाँ पे ये हमने लेयर दे दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेर इज़ माई टूल। सो ये हमारा ब्रश टूल है, हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कलर वलर डाल के लेयर में हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है। सो ये हमने कलर डाल दिया, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करते हैं दिस मच, एंड सी लेट्स सी कि कैसा क्या होता है। सो ये हमारा ब्रश टूल है, ये हमारा गया, इसको हम लोग स्क्रीन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, ताकि दिखने में थोड़ा सा आसान लगे, एंड इसका जो ओपेसिटी है वो भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लेयर में भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और चीज़ें एडिट करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हम लोग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, बहुत जल्दी यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग इसको लेयर वाया कॉपी करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक डालते हैं, मतलब जो बेसिक फोटोशॉप के काम होते हैं वो सारे कैसा होता है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रोक डालता हूँ, ये वाइट कर दिया, एंड देख सकते हो बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही स्मूथ एडिटिंग है फोटोशॉप में भी, किसी भी तरीके का लैग नहीं है, इट्स लाइक बटर स्मूथ जैसा मैक में होता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ द टेक्स्ट टूल वर्क्स, मतलब टेक्स्ट टूल में मैंने देखा है थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग करता है। तो ये हमने टाइप कर दिया, थोड़ा बहुत फॉन्ट्स को भी चेंज करते हैं, मेरा एक बहुत लेजेंडरी फॉन्ट है वो, आई डोंट थिंक यहाँ पे होगा क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है। सो HP सिंप्लीफाइड, HP का भी खुद का फॉन्ट है, नाइस। सो HP विक्टस,
टेक्स्ट टाइप किया है, देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे बहुत ही स्मूथली, ये एक्चुअली में एक ग्राफिक वाला चीज़ है ठीक है। तो हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप किया तो ये भी बहुत ही स्मूथली, मैं इसको ऑल्ट कंट्रोल टी दबा के मैं इसको इधर उधर ले जा सकता हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत और क्रिएटिव होते हैं तो और थोड़ा बहुत ग्राफिक लोड डालते हैं इसमें, तो ये हमने ये कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और ग्राफिकल चीज़ें करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन, उसके बाद नहीं एक्चुअली ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं, क्या था वहाँ पे, हाँ ये वाला टूल। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर बना दिया है लाइक दिस एंड इसको हम लोग एच वेक्टर्स के नीचे रख देंगे एंड बैम। सो अभी हमने कुछ और भी ग्राफिकल चीज़ों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है एंड इसको हम लोग टी दबाते हैं, टी दबा के इधर उधर करते हैं। उसके बाद लेट्स ग्रुप इट, ग्रुप करके इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके कुछ और ग्राफिकल चीज़ों को यहाँ पे ऐड करते हैं लाइक और डुप्लीकेट करते हैं, और ये है हमारा ग्रेडियंट इफेक्ट। वाओ दिस इज़ नाइस, एक्चुअली हम लोग ये नॉर्मली कर रहे हैं, कोई ऐसे सीरियस वाली चीज़ नहीं है। लेट्स डू द ग्रेडियंट इफेक्ट एंड ओपेसिटी कम कर लेते हैं, सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सो जैसे कि आप देख रहे हो फोटोशॉप में हमने बहुत सारे लेयर्स में काम कर रहा हूँ ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड किया है। अभी फोटोशॉप का जो इनबिल्ट कैमरा रॉ फिल्टर है उसको हम लोग यहाँ पे ऑन करते हैं। सो ये हमारा कैमरा रॉ फिल्टर है एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, लेट्स सी कैसा होता है एंड किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। सो हम लोग वाइब्रेंस को बढ़ा देते हैं, हम लोग सैचुरेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं एंड डू द कॉन्ट्रास्टी थिंग। सब कुछ यहाँ पे एकदम स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। 8GB रैम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें काम नहीं कर सकते, आपको 16GB लगाना पड़ेगा, वो हम लोग वीडियो एडिटिंग पार्ट में देखने वाले हैं। बट एज फार दी फोटोशॉप एंड द लाइट रूम गोज, इसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बटर स्मूथ है, कोई भी इशू नहीं है एंड आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है ठीक है। तो फोटोशॉप का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन भी करना चाहते हो जस्ट लाइक दिस, आप जो बहुत ईजिली कर सकते हो विदाउट एनी लैग, थोड़ा सा भी लैग नहीं है फोटोशॉप में, थैंक्स टू दी राइजन 5 5600H which is a very powerful and very efficient processor. So editing photos is not a big challenge with this laptop. आप photo editing, Photoshop, Lightroom, ये सारे softwares के लिए ये वाला laptop को बहुत ही आसानी से यहाँ पे pick कर सकते हो. And अगर आपको ये वाला laptop पसंद आता है in the end, तो इसका जो best buy link है वो भी आपको description में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ये वाला laptop को जो है directly खरीद सकते हो. So अगर आपको ये वाला laptop एंड ये वाला video अच्छा लगता है तो definitely description में दिया हुआ link से ये वाला laptop को खरीद सकते हो. ओ अभी हम लोग इसको export भी करके देखते हैं कि कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे export होता है. सो ये डेस्कटॉप में हम लोग क्लिक किया, उसके बाद सेव एज हम लोग करते हैं जेपेग एंड डेस्कटॉप सेव मैक्सिमम रेजोल्यूशन एंड गो। देख सकते हो बहुत ही जल्दी यहाँ पे ये सेव हो गया, रेंडर करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। सो जो फोटो हमने एडिट किया था वो हमारा ये रहा ठीक है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे एडिट हो गया एंड बहुत जल्दी एक्सपोर्ट भी हो गया। अभी हमारा वादी है प्रीमियर प्रो के एंड प्रीमियर प्रो जो है काफ़ी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। सो लेट जस्ट फायर अप द प्रीमियर प्रो एंड देखते हैं कि इसका जो वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा है एंड कुछ 4K फुटेजेस को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा 4K फुटेज है वो हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में है, तो लेट्स जस्ट इंपोर्ट ऑल ऑफ देम टू वर्क विद ठीक है। तो हमने सारे फुटेजेस को इंपोर्ट कर लिया है। सो हमारा पीक फाइल जनरेट हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं ये जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको हम लोग हाफ से फुल पे करते हैं एंड उसके बाद हम लोग ये जो वीडियो फाइल है उसको प्ले करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स पिक सम वीडियोस, ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो इन एंड आउट मुझे ये वाला चाहिए। सो हम लोग इसको मेन टाइमलाइन पे लाते हैं एंड मेन टाइमलाइन का जो व्यूइंग यहाँ पे रेजोल्यूशन है वो भी यहाँ पे फुल पे कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। और इस तरीके से अगर हम लोग वीडियो को प्ले करते हैं तो देख सकते हो बहुत ही स्मूथ, अगर हम लोग इसको इधर उधर भी लेके जाते हैं तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बट अगर आप प्रीमियर प्रो पे 16GB रैम लगाओगे तो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो 16GB रैम आपको जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बाकी 8GB रैम पे भी बहुत ही सॉलिड चल रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ और फुटेजेस को यहाँ पे लाते हैं मेन स्क्रीन में, लेट्स सी ये बी रोल काफ़ी सही लग रहा है। सो आई एंड ओ थोड़ा बहुत और ले लेते हैं, बाद में एक साथ में काम करेंगे। देख सकते हो जो यहाँ पे दोनों ही जो रेजोल्यूशन है, हमारा जो सोर्स वाला विंडो है एंड हमारा जो मेन प्रोजेक्ट वाला विंडो है, दोनों का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे फुल पे कर रखा है, फिर भी यहाँ पे ये वाला जो लैपटॉप है वो कितना स्मूथली परफॉर्म कर रहा है, मतलब बहुत स्मूथली परफॉर्म कर रहा है, कोई भी लैग नहीं है। जितना लैग आप देख रहे हो वो थोड़ा सा ही है एंड वो 16GB रैम लगाने से काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। सोर्स विंडो को छोटा कर लेते हैं बिकॉज हम लोग अभी मेन विंडो में काम करने वाले हैं। दिस इज़ आवर एडजस्टमेंट लेयर, अभी हम लोग कलर ग्रेडिंग वाले जो टैब है उसको खोल लेते हैं।
बेसिक करेक्शन, लेट्स डू द बेसिक करेक्शन फर्स्ट. कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, बहुत स्मूथ एडिटिंग है यार, मतलब कोई इशू नहीं है एकदम. ये 4K फुटेज है एक्चुअली, ठीक है, 1080p फुटेज नहीं है. तो अगर आप 1080p फुटेज पे काम करते हो तो और ज़्यादा यहाँ पे स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा. 4K फुटेज 1080p फुटेज से डबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लैपटॉप में लैग करते हैं. बट HP Victus में 4K वीडियोज़ भी एडिटिंग कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजिली आपका 4K वीडियोज़ भी एडिट हो जाएगा. थोड़ा बहुत यहाँ पे लट्स को अप्लाई करते हैं, लट्स ही कैसे कैसे काम करता है. सो ये वाला लट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. लेट्स एड सम कॉन्ट्रास्ट, डाउन सम शैरोज. क्रिएटिव में हम लोग थोड़ा बहुत शैरो टेंट डाल सकते हैं कि हाँ इस तरीके से. ये हम लोग कोई सीरियसली नहीं कर रहे, जस्ट फॉर चेकिंग द लैपटॉप परफॉर्मेंस, तो जज मत करना प्लीज़. और उसके बाद द सेम थिंग अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये भी एक्चुअली सेम है. अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन का हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं. व्हील में हम लोग अगर शैरो टेंट डालते हैं तो, एंड हाईलाइट पर भी थोड़ा बहुत कलर ऐड करते हैं तो अच्छा लग रहा है देखने में. एंड लेट्स ड्रॉप डाउन सम शैरोज, इतना तक तो सही है. सो ये भी ऑटोमेटिकली एडिट हो चुका है बिकॉज हमने एडजस्टमेंट लेयर में सारे के सारे चीज़ कर रखा था. सो लेट्स ड्रॉप डाउन सम कॉन्ट्रास्ट, इतना तक सही है. देखते हैं ग्राफिकल चीज़ों में कैसा काम करता है, ठीक है. सो लाइब्रेरीज एंड कुछ डिफॉल्ट्स यहाँ पे लोअर थर्ड्स होता है इसमें, सो लेट्स ऐड दोस. यहाँ तक सही है. हाँ, योर टाइटल हियर, टैब फॉर हियर, चलो इसको ऐड करते हैं. बहुत इजीली ऐड हो चुका है. अभी हम लोग इसका प्ले करते हैं तो देख सकते हो जो ग्राफिकल वाले चीज़ें हैं वो भी बहुत ही इजीली ये जो लैपटॉप है वो हैंडल करता है. लेट्स टाइप हियर HP Victus, ठीक है, देखने में यार काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा. एंड थोड़ा बहुत स्केलिंग भी बढ़ा देते हैं, लेट्स डू दिस. एंड ये हमारा ग्राफिकल पार्ट है, तो ग्राफिकल पार्ट भी देख सकते हो बहुत ईजिली हैंडल करता है. फुल पे है इसका रेजोल्यूशन, ये भी फुल पे है, तो थोड़ा सा भी लैग नहीं है. इवन हम लोग इसको 8GB रैम पे एडिट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे किसी भी तरीके का लैग नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और ग्राफिकल चीज़ों को ऐड करते हैं. लेट्स सी हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं कि कैसा होता है. सो इसको हमने ऐड कर दिया एंड ओ माय गॉड, कोई भी लैग नहीं है गाइस. चलो इसको चेंज करते हैं. गॉशियन ब्लर प्रेजेंट्स HP Victus, ओके. और वहाँ पे लोगो डलेगा, कोई इशू नहीं है. इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस. तो ये हमारा हो रहा है ग्राफिकल वाले काम. तो ग्राफिकल वाले काम भी वाला लैपटॉप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते, देख सकते हो. थोड़ा सा भी लैग आपको देखने में मिल रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी लैग देखने में नहीं मिल रहा है. कोई भी यहाँ पे फुटेज कर लो, ठीक है. और लेट्स इसको हम लोग थोड़ा बहुत सैचुरेशन बढ़ाते हैं बिकॉज इसका जो पार्ट है वो सैचुरेटेड होना चाहिए. सो कलर पे वापस जाते हैं. सैचुरेशन लेट्स ब्रिंग इट ऑल द वे टू, यू नो, नॉट 200, 170. तो भी थोड़ा सा सही लग रहा है. डिफॉल्ट सैचुरेशन यहाँ पे था तो उससे हमने यहाँ तक बढ़ाया. यहाँ पे हम लोग कुछ मैनुअल टेक्स्ट डालते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब. हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब. देखो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है. और इसको हम लोग HP Victus वाला फॉन्ट से चेंज करते हैं. लेट्स सी कैसा होता है. आई डोंट नो उसको कैसे चेंज किया जाता है बट छोड़ो. तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं, एक बैकग्राउंड भी डाल देते हैं. यहाँ पे शैडो नहीं चाहिए हमको, बैकग्राउंड चाहिए ये वाला कलर में. बैकग्राउंड ये वाला कलर में चाहिए एंड यहाँ तक. सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, हमने यहाँ पे लिख दिया है. थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत एनिमेशन डाल देते हैं यहाँ से, ठीक है. सो फेडली आएगा, बहुत स्मूथ एडिटिंग है. ओ माय गॉड, जो लोग यहाँ पे प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करने के लिए ये वाला लैपटॉप को लेना चाहते हो, आप लोग भी आग बंद करके ले सकते हो बिकॉज इसका जो प्रीमियर प्रो का यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो एकदम लैग फ्री है, बिल्कुल लैग नहीं है. ये हमारा बन गया है 3 मिनट का. 3 मिनट का वीडियो फुटेज को हम लोग रेंडर करते हैं, ठीक है. पक्का 3 मिनट का वीडियो फुटेज को हम लोग अभी हम लोग रेंडर करने वाले हैं. सो हमने 3 मिनट कर दिया है. ये हमारा 3 मिनट का वीडियो फाइल है. तो हम लोग फाइल पे चलते हैं, देखते हैं कि 3 मिनट का वीडियो को रेंडर करने में ये वाला लैपटॉप को कितना टाइम लगता है. मीडिया एंड हम लोग इसको मैच सोर्स नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
H264 तो यहाँ पे है ही, इसका जो बिट रेट है उसको बढ़ाने वाले हैं, बिकॉज बिट रेट इज़ द थिंग। बिट रेट 4K में 40 होनी चाहिए, एटलीस्ट 40 होनी चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे हमेशा रखते हैं। 40 बिट रेट है 4K फुटेज का। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, सो नेम इट एनीथिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, लाइक 3 मिनट का वीडियो को रेंडर करने में इस लैपटॉप को कितना टाइम लगता है, वो भी 4K वीडियो को, वो भी 8GB रैम में। लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1। सो गाइज, एग्जैक्टली 3 मिनट का 4K वीडियो को रेंडर करने में कितना टाइम लेगा वो आपके स्क्रीन में ऑलरेडी दिख गया होगा। तो अगर आप ये वाला लैपटॉप को प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी ले रहे हो, तो यहाँ पे आप जो बहुत आराम से जा सकते हो इस लैपटॉप के साथ आग बंद करके, बिकॉज इस लैपटॉप में जो प्रीमियर प्रो बहुत ही स्मूथली चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। बस एक काम आप कर सकते हो कि लैपटॉप लेने के बाद इसका जो रैम है उसको अगर आप 16GB पे कर लोगे, तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें जो है आपको काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा। तो अभी हमारा बारी है लास्ट सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारा Adobe After Effects। एंड After Effects का मुझे उतना कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत मैं आपको चला के फिर भी दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे मेरे को After Effects में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे After Effects में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एंड पिक्चर को भी लेके आते हैं, क्या पता कैसे क्या हो जाए। सो ये हमारा इम्पोर्ट तो हो चुका है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं, पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेके जाते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मूव होगा, प्रॉबेबली मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये जो हेडफोन है वो नीचे की तरफ आएगा। सो लेट्स डू इट। सो हमने ये किया है, स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत हैवी ग्राफिक वाले भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं, एच विक्टस, इसको हम लोग थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत बोल्ड इफेक्ट डाल लेते हैं, उसके बाद लेट्स डू इट, फॉन्ट्स को चेंज करते हैं इसका, बिकॉज ये फॉन्ट बहुत ही बेकार से लग रहा है। ये वाला भी सही है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आएगा पोजिशन पर, हम लोग टाइम को लॉक करते हैं, और यहाँ तक जब आएगा हमारा फुटेज, तो हमारा जो पूरा विक्टस लोगो है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एनिमेशन है, सो प्ले करते हैं। ओके, यहाँ से शुरू होता है, एंड देख सकते हो एच विक्टस आ रहा है, बहुत ही स्मूथली आ रहा है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत हैवी ग्राफिक वाले काम करते हो आफ्टर इफेक्ट में, तो शायद से आपको थोड़ा सा और परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिले, बट जो बेसिक आफ्टर इफेक्ट काम है या फिर आपको कुछ और चीज़ें करना है जैसे कि ट्रैकिंग वगैरह, वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। एकदम स्मूथ बनाने के लिए आपको 16GB रैम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा लैग है यहाँ, बट यहाँ पे जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हो ना, ये आपका रेंडर हो रहा है एकदम रियल टाइम में, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है वो भी काफ़ी फास्ट है। ओपेसिटी भी हम लोग यहाँ पे कम कर सकते थे, ओपेसिटी पे भी अगर हम लोग 0 to 100% करते हैं यहाँ से, तो यहाँ आते आते इसका जो ओपेसिटी है वो यहाँ पे 100% हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। तो देख सकते हो एकदम कम ओपेसिटी है, उसके बाद धीरे धीरे ये ज़्यादा हो रहा है। एंड आफ्टर इफेक्ट में कितना रैम खा रहा है हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर इफेक्ट में रैम जो है काफ़ी यूज़ हो रहा है, 6.6GB का। एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट या फिर प्रीमियर प्रो में काम करते हो, तो 16GB रैम डेफिनेटली लगा लेना इस लैपटॉप को खरीदने के बाद, ठीक है। बाकी प्रोसेसर में कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोसेसर एंड इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप आफ्टर इफेक्ट में बहुत आराम से काम कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। 6 कोर वाला प्रोसेसर है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो बेसिक काम, या फिर थोड़ा बहुत आपको मॉडरेट काम भी करना है, तो आप इस लैपटॉप में आफ्टर इफेक्ट में भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को जो है कर सकते हो। सो दैट वाज प्रीमियर प्रो गाइस, आपने देखा कि जो एच विक्टस है इसमें अगर आप ये चारों सॉफ्टवेयर्स को रन करते हो या फिर इसमें काम वगैरह करते हो, तो ये जो लैपटॉप है ये चारों सॉफ्टवेयर्स को ही बहुत आराम से हैंडल कर सकता है, बिकॉज इस लैपटॉप में आपको मिलता है राइजन की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल राइजन 5 5600H प्रोसेसर, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, एंड इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी तगड़ा है। तो इसलिए ये चार जो सॉफ्टवेयर्स हैं
इसको आप इस लैपटॉप में बहुत आराम से चला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंत तक, एंड अगर आपको स्टिल कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या जानना है, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड इन द एंड अगर आपको ये वाला लैपटॉप पसंद आए, आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हो अपने कोई भी काम के लिए, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, वहां से जाकर इस लैपटॉप को डायरेक्टली खरीद सकते हो। एंड ऑल्सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरीके और सब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक क्लियर, बाय बाय।